बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुसैन। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी करप्टेड यूएसबी को ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक यूएसबी इंस्टॉल है, मैंने प्लगइन की हुई है अपने सिस्टम के साथ में। अगर यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास मैसेज आ रहा है कि जी डिस्क इंसर्ट करवाएं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर अगर राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट करूँ, तो देखते हैं कि हमारी ये यूएसबी फॉर्मेट होती है या नहीं होती। मेरे पास फॉर्मेट की विंडो शो होगी। मैंने यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मैसेज शो हो गया, विंडो वाज अनेबल टू कंप्लीट दी फॉर्मेट। ना तो मेरी यूएसबी फॉर्मेट हो रही है और ना यूएसबी ओपन हो रही है। तो किस तरह अपनी करप्टेड यूएसबी को हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, विंडो के साथ आर की प्रेस करनी है। यहाँ पर रन के डायलॉग बॉक्स में आपने सीएमडी लिखना है और एंटर कर देना है। कमांड प्रॉम्प्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है डिस्क, PART। डिस्क पार्ट हमारी विंडो की एक यूटिलिटी है। आपने एंटर करना है तो आपके पास एक और स्क्रीन शो हो जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट की। तो अगर आपने डिजेबल की होगी सिक्योरिटी तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा मैंने डिजेबल की हुई है। तो आपके पास ये होगा कि जैसे आप डिस्क पार्ट लेकर एंटर करेंगे तो सामने एक मैसेज आएगा, आपने येस करना है, तब आपके पास ये स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिस्क पार्ट ग्रेटर देन। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक कमांड यूज करनी है, लिस्ट डिस्क और एंटर कर देना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर दो डिस्क हैं। एक मेरे पास जीरो डिस्क है 298 GB की, 298 GB की। एक मेरे पास है 14 GB की डिस्क। तो ये जो 14 GB की डिस्क है ये है मेरी यूएसपी। तो जितनी भी जीबी की आपकी यूएसपी होगी, पेन ड्राइव होगी, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है सिलेक्ट, उसके बाद आपने डिस्क को सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट करना है डिस्क वन को, मैंने सिलेक्ट डिस्क वन लिख के एंटर किया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मैसेज आ गया, डिस्क वन इज नाउ दी सिलेक्टेड डिस्क। तो मैं यहाँ पर एक कमांड यूज करूंगा CLEAN क्लीन एंटर। तो हमारी जो डिस्क है वो क्लीन हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक और कमांड यूज करनी है, क्रिएट पार्टीशन, PARTITION पार्टीशन प्राइमरी। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी लिख के आपने एंटर करना है तो आपकी जो डिस्क है वो प्राइमरी, उसकी पार्टीशन क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप यहां से फॉर्मेट करना चाहते हो तो यहां पर हम कमांड यूज करेंगे फॉर्मेट FS इक्वल टू 32, सॉरी यहां पर लिखना है FATFAT 32, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आपने यहां पर लिखना है क्विक और एंटर कर देना है। अगर आप यहां से फॉर्मेट करना चाहें यहां से भी कर सकते हैं, अगर आप वहां से जाके ऑप्शन में से फॉर्मेट करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहां पर एक मैसेज आ गया जी कि हमारी यूएसबी फॉर्मेट हो गई है। तो जैसे ही फॉर्मेट हुई हमारी यूएसबी, ये देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटिंग द वैल्यू, जैसे ही वॉल्यूम, जैसे हमारी यूएसबी जो है फॉर्मेट हुई तो मेरे पास यहाँ पर मेरी यूएसबी जो है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, वापिस चलता हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो अब मेरी यूएसबी जो है वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। तो ये हमारा मेथड था डिस्क, जो हमने करप्ट डिस्क होती है, जो हमारी यूएसबी करप्ट होती है, उसको ठीक करने का। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ प्रैंक करना चाह रहे हैं और उनकी अपने किसी फ्रेंड के साथ प्रैंक करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी जो यूएसबी आपके फ्रेंड की उसको आप करप्ट कर दें, इस तरह शो हो कि जैसे यूएसबी करप्ट हो गई है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सेम यही मेथड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्क पार्ट में जाकर आप लिखेंगे क्लीन सिलेक्टेड डिस्क करके। पहले आपने डिस्क को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डिस्क सिलेक्ट। मैंने यहाँ पर किया सिलेक्ट डिस्क वन एंटर। मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लीन एंटर और जब मैं वापस आऊंगा तो देखें अब मैं अगर यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी यूएसबी ना तो ओपन होगी ना ही ये फॉर्मेट होगी। तो इस तरह आप अपने किसी फ्रेंड के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि अगर आपने एक दफा क्लीन की कमांड यहाँ पर अप्लाई कर दी तो आपका यहाँ इस यूएसबी में जो भी डाटा है वो सारे का सारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो वो उसमें से पहले निकाल लें, उसके बाद इस तरह की कमांड को इसके ऊपर यूज करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी यूएसबी जो है उसको करप्टेड यूएसबी उसको ठीक करने की समझ आई होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।